पर्यटन नगरी डलहौजी के पहाड़ी इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी के बाद जंगली जानवर कम ऊंचाई वाले इलाकों का रुख करते हैं ताकि उन्हें खाने की उचित मात्रा मिल सके। यही कारण है कि सर्दियों के मौसम में कोई इन जंगली जानवरों का शिकार ना कर सके, इसका विशेष ख्याल वन विभाग रख रहा है। वन मंडल डलहौजी के DFO कमल भारती द्वारा अलग अलग टीमें गठित करके उन्हें जंगलों पर नजर रखने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि जब पहाड़ों पर बर्फबारी होती है जंगलों में रहने वाले सभी तरह के जंगली जानवर निचले इलाकों का रुख करते हैं। इसी बात का लाभ उठाकर कई बार अवैध शिकारी जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास भी करते हैं और इससे जंगली जानवरों की भारी संख्या में कमी हो जाती है, लेकिन जंगली जानवरों का अवैध शिकारी शिकार नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वन विभाग की टीमें नजर बनाए हुए हैं। अगर कोई जंगली जानवरों का शिकार करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ वन्य प्राणी अधिनियम के तहत सख्त से सख्त कार्यवाही वन विभाग कर सकता है। वन मंडल डलहौजी के DFO कमल भारती ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा वो आप सुनो। जैसा कि अभी ज्ञात है कि आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है और पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है और आजकल वन्य जीव जैसे घोरल, कस्तूरी मृग इत्यादि और पक्षी जजुराना, मोनाल ऐसे पक्षी और अन्य जीव बर्फबारी के कारण अक्सर रिहायशी थोड़ा निचले कम ऊंचाई के क्षेत्रों पे आ जाते हैं और जिससे कि उनका शिकार करने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। इस विषय पे हमने डलहौजी वन मंडल के अंतर्गत टीमों का गठन भी किया है, रेंज स्तर पे भी टीमों का गठन किया है और मोबाइल नंबर भी रेंज ऑफिसर्स के और यहाँ वन मंडल स्तर पर जो टीम है उसका भी मोबाइल नंबर जारी किया है। मेरी अपील रहेगी लोगों से कि और गांव वासियों से कि अगर ऐसा कोई घटना होती है तो वो कृपया करके हमारे रेंज लेवल पे जो हमने फोन नंबर जारी किए हैं उन पे सूचित करें और या वन मंडल स्तर पर जो टीम है उनके नंबर पे सूचित करें और ताकि हम जो अवैध शिकार करते हैं लोग उनके खिलाफ कार्रवाई कर पाएं और जो भी हमें सूचना इस प्रकार देगा उनका नाम हम गुप्त रखेंगे और साथ में कोई भी ऐसी घटना होती है उसकी सूचना मिलने पे हम तुरंत कार्रवाई करेंगे और वन्य अधिनियम 1972 के तहत जो भी कार्रवाई है वो हम अमल में लाएंगे। तो इस विषय पे मेरी आम जनता से अपील है कि इस वन्य जीवों को बचाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए वन मंडल डलहौजी के कर्मचारियों अधिकारियों की मदद करें और ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को शेयर करें और जिससे कि हम वन्य जीवों को बचाने में अपना योगदान दे सकें।